ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में हरे निशान के साथ कामकाज जरूर हो रहा है, लेकिन अब 1/4% के आसपास की बढ़त 8722 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज होता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन ज्यादा है, बेहतर है, बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है, इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव नजर आएगी आपको। जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग का रुझान ये कहता है कि उसमें 75% के आसपास शेयर इस समय हरे निशान के साथ या बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन चलिए बाजार पे एक और नजरिया लेकर आए हैं, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ आशीष सोमैया साहब जुड़े हैं। आशीष जी हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स अ टन फॉर जॉइनिंग अस सर। अच्छा, भारतीय बाजारों में जो तगड़ा मोमेंटम आया था उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि एक डाउनसाइड रिस्क खुल रही है, हालांकि यहां वैल्यूएशन को लेकर मतभेद, हम सब वेट कर रहे हैं करेक्शन का। आपको भी लग रहा है कोई मीनिंगफुल करेक्शन आने वाला है? आपको क्या लगता है यहां से डाउनसाइड रिस्क कितनी खुलने वाली है, या ऐसा कोई करेक्शन की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती इस समय? एक्चुअली काफी टाइम से जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर करेक्शन होना होता तो अब तक करेक्शन के ट्रिगर्स थे बाजार में। जैसे थोड़े दिन पहले बॉर्डर पे तनाव आपने देखा, या फिर जैसे रेट कट तो हमको मिला लेकिन जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस तरह की लैंग्वेज लोग सुनना चाह रहे थे वो सुनने को नहीं मिली, तो ट्रिगर तो काफ़ी थे करेक्शन के लिए। और इतने दिनों तक अगर आप देखें कोई पॉजिटिव ट्रिगर था नहीं, जैसे कि अगला ट्रिगर हमारे पास केवल रिजल्ट सीजन का है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर करेक्शन आना होता तो पिछले एक महीने में कभी भी आ सकता था, लेकिन अभी आप अगर देखें तो फंड फ्लोस काफ़ी स्ट्रांग है, लोकल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, और अब हम सीधा रिजल्ट सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और रिजल्ट सीजन में क्या है कि काफ़ी पिछले साल का बेस काफ़ी लो है, जैसे हम सेंसेक्स या निफ्टी की बात करते हैं उसी तरह से जो ईपीएस है, ये ईपीएस भी एक इंडेक्स नंबर है, इस पर भी बेस इफेक्ट काम करता है। तो सितंबर एंड क्वार्टर रिजल्ट या लेटेस्ट दिसंबर एंड क्वार्टर रिजल्ट तक आपको अर्निंग्स में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा। सो मुझे ऐसा कोई मतलब बोलना मुश्किल है। और लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब सब लोग करेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं तब शायद करेक्शन ना ही आए, तो बोलना मुश्किल है इसके बारे में। चलिए, तो अब सब जब कह रहे हैं करेक्शन होगा तो शायद होना मुश्किल है, लेकिन ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हैं। कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की, उस पर तो व्यू आ गया है साफ, लेकिन डॉयचे बैंक के मामले को सर आप किस तरह से रीड करते हैं? यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ जो $14 बिलियन का फाइन सेटलमेंट का मामला है, ये आपको क्या लगता है अगर ये फाइन सेटल नहीं होता है तो क्या डॉयचे बैंक में गिरावट देखने को मिल सकती है, ए? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कंटेजियस हो सकता है, क्या यह दूसरे बैंक्स में भी मामला फैल सकता है और इक्विटी मार्केट को करेक्ट करने के लिए यह एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है क्या? देखिए, अगर जैसे डॉयचे बैंक के बारे में काफी टाइम से न्यूज हम सुन रहे हैं, और क्या है कि अगर ये इतना बड़ा फाइन जो है करीब करीब जैसे 93,000 करोड़ में ट्रांसलेट होता है, 14 बिलियन 15 बिलियन डॉलर्स, अगर इसको निगोशिएट करके या सेटल नहीं कर पाते हैं और अगर इस फाइन को इम्पोज किया जाता है, तब तो बात इस पर आ जाएगी कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है कि नहीं, जर्मन गवर्नमेंट जो है उसका सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, उससे फिर बैंक का आगे जाके फ्यूचर क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ओवरनाइट कोई इसमें से निकाल